सो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करेंगे साझेदारी फर्म के आधारभूत सिद्धांत। थ्योरी वाली बातें पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, आज से क्या बात करेंगे, प्रैक्टिकल वाली बात। तो साझेदारी फर्म का आधारभूत सिद्धांत जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें क्या क्या प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ोगे, सबसे पहले पढ़ोगे आप लोग पूंजी पर ब्याज की गणना। किसकी गणना? पूंजी पर ब्याज की गणना। मतलब अगर कोई साझेदार फर्म में पूंजी लगाया है, तो अगर साझेदार फर्म में क्या लगाता है, पूंजी लगाता है, तो उसको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा लिया जाएगा। हम फर्म है ना, हम देंगे कि लेंगे, देंगे, हमारे लिए वह है ना। इसके अलावा आहरण पर ब्याज, क्या आहरण पर ब्याज की गणना करना सीखोगे तुम लोग, आहरण पर ब्याज की गणना, ठीक है। अब आहरण में क्या होता है कि फर्म का जो साझेदार है वो क्या करता है, पैसा निकाल के ले जाता है। तो पैसा साझेदार रखा तो उससे हम ब्याज क्या करेंगे, वसूलेंगे, तो हमारे लिए आय होगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग सीखोगे लाभ हानि नियोजन खाता, एक सीखोगे लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सीखोगे, ओके, पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद सीखोगे तुम लोग साझेदारों का पूंजी खाता बनाना सीखोगे, साझेदारों का पूंजी खाता बनाना सीखोगे। इसके अलावा तुम लोग सीखोगे टॉपिक में लाभ की गारंटी सीखोगे, लाभ की गारंटी। फिर आप लोग प्रैक्टिकल पोर्शन में सीखोगे गत समायोजन के बारे में सीखोगे, और बस इसके बाद क्या लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। तो ये बच्चों आपके प्रैक्टिकल पोर्शन है, ये प्रैक्टिकल बातें अपन को क्या करनी है, लाइन से पढ़ते चले जाना है, ठीक है। नोट करिए, फिर हम आगे बनाते हैं। फिर ओके बच्चों, चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना, क्या निकालना सीखेंगे, पूंजी पर ब्याज। तो जैसे कि पता है कि पूंजी पर ब्याज हमारे लिए वह होता है, साझेदार फर्म में पूंजी लगाएगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज। अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक बात बता रहा हूँ कि जो वर्ष का अंत होता है, जब भी ब्याज की गणना करोगे वो वर्ष के अंत में करोगे। अब आपका वर्ष का जो अंत होगा ना, वो या तो देखो, या तो वो वर्ष का अंत 31 मार्च होगा, या फिर वो वर्ष का अंत क्या होगा, 31 दिसंबर होगा। समझ आया कि नहीं आया? या तो 31 मार्च, अगर वित्तीय वर्ष फॉलो कर रहे होंगे तो वो 31 मार्च होगा, और अगर कैलेंडर वर्ष फॉलो कर रहे होंगे तो फिर वो क्या होगा, 31 दिसंबर। अब देखिए, अगर 31 मार्च उस वर्ष का अंत है, तो वर्ष चालू होगा 1 अप्रैल से और खत्म होगा कब, 31 मार्च को। समझ आया? और अगर दिसंबर है उसका अंत, तो चालू होगा 1 जनवरी से और खत्म होगा कब, 31 दिसंबर से। समझ आया? और कभी भी याद रखना, ब्याज की जो गणना की जाती है वो कौन सी तिथि के लिए की जाती है, सदैव अंतिम तिथि के लिए की जाती है। कौन सी तिथि के लिए की जाती है, अंतिम तिथि। अब वो अंतिम तिथि क्या हो सकता है, 31 मार्च भी हो सकता है या फिर 31 दिसंबर भी हो सकता है, वो उनके फॉलो करने के ऊपर है। समझ आया? चलो हम कौन सा लेते हैं, हमको ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलने वाला है ना, हम लोग कौन सा मिलने वाला है, 31 दिसंबर ही का क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग 31 दिसंबर का एग्जांपल देके बताता हूँ। अब देखो, कभी भी याद रखना, जो ब्याज हम लोग देते हैं ना, जितना आप पैसे का उपयोग करोगे उतने रुपए पे आप सदैव क्या दोगे, ब्याज दोगे। समझ आया बात? अब सुनना मेरी बात। देखिए, जैसे कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए एक साझेदार ने 1 जनवरी को 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई, ठीक है। उसके बाद उसने 1 जनवरी को लगाया, उसके बाद उसने 1 मई को 10,000 रुपये और पूंजी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद उसने 30 जून को 20,000 रुपये पूंजी क्या किया, और लगा दिया। चलो प्लस में लिख रहा हूँ, मतलब और लगा दिया, ठीक। इसके पश्चात उसने 31 अगस्त को 30,000 रुपये पूंजी क्या कर लिया, निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसने 1 अक्टूबर को व्यापार में 5,000 पूंजी क्या कर दी, और लगा दी। और उसके बाद 31 दिसंबर को उसने 15,000 पूंजी क्या कर दी, और लगा दी। से एक ही बार निकाला, बाकी टाइम क्या कर दिया, लगा दिया। और आपको कहता है कि जो पूंजी पर ब्याज की गणना है, पूंजी पर ब्याज 6% की दर से निकाला जाता है, 6% प्रतिवर्ष की दर से पूंजी पर ब्याज किया जाता है, लगाया जाता है। आपको 31 दिसंबर के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है, ठीक है। यानी अंतिम तिथि क्या है आपका, 31 दिसंबर। तो जितना पैसा उपयोग करोगे उतने पर सामने वालों को क्या दोगे, ब्याज दोगे, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ कैसे निकलेगा। तो बेटा ब्याज की गणना करेंगे, देखो यहाँ लिखना पूंजी पर ब्याज की गणना। तो देखिए कैसे करेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना। अब देखिए, लिखने का तरीका ये हो गया, पूंजी पर ब्याज की गणना। सबसे पहला स्टेप बताइए, सबसे पहला उसने पूंजी कितना लगाया 1 जनवरी को, 1 लाख लगाया। तो बेटा 1 जनवरी को उसने कितना लगा दिया पूंजी, 1 लाख रुपए। अब एक बात बताओ कि ये जो 1 लाख रुपए फर्म में रहा है वो कितने दिन तक रहा है, अगला चेंज कब आया है, 1 मई को।
मतलब ये जो पूंजी लगा है वो 1 जनवरी से लेकर कहाँ तक लगा है, 31 मई तक लगा है। ठीक है, चलो सन बता देते, इसका सन है मान लो 2015। ठीक है, 31 मई 2015 तक का लगा है, यानी 1 जनवरी से 31 मार्च तक, कितने 1 मई तक, कितने मई तक, 1 मई तक कितना पूंजी लगा, 1 लाख लगा। 1 जनवरी से 1 मई तक कितना लगा, 1 लाख रुपये लगा। कितना लगा, 1 लाख रुपये आपका पूंजी क्या किया है, लगा हुआ है। तो 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक कितना लगा है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का कितना निकालेंगे, 6% निकालेंगे। 6% लिखोगे मतलब साल भर निकालना हो जाएगा, परंतु 1 लाख रुपए जो रहा है फर्म में, क्या वो पूरे साल भर रहा है, नहीं, वो 1 जनवरी से 1 मई तक रहा है। मतलब जो भी चेंज आया वो कब से आया है, 1 मई से बाद आ रहा है। तो यानी 1 जनवरी से 1 मई तक कितना रुपये लगा है, 1 लाख लगा है। कितने महीने के लिए लगा बताओ, 1 जनवरी से 1 मई कितना महीना है, देखो 1 जनवरी बोल रहा है मतलब जनवरी का पूरा महीना, 1 महीना फरवरी, फिर उसके बाद मार्च और फिर पूरा अप्रैल। 1 मई को है तो 1 मई को नहीं गिनना क्योंकि 1 मई को है वो। ठीक है, तो कितना महीना हुआ, 4 महीना, यानी कि 1 लाख जो है 4 महीने तक लगा। उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे आंसर, ठीक है, वो अलग मैटर है, ठीक, निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए अगला नंबर 2 स्टेप, अब बताओ अब क्या हुआ पूंजी के साथ। अब 1 मई को आपके व्यापार में 1 मई 2015 को कितना रुपये लगाया गया, 10,000 और लगाया गया। अभी तक कितना लगा था, अभी कितना लगा है, तो अब व्यापार में कितना लगा बताओ कुल मिलाकर, 1,10,000। तो यहाँ पे लिखना 1 लाख कितना, 10,000 रुपये लिख दीजिएगा 6% के रेट से। तो एक बात बताइए ये कितने महीने तक लगा, तो बेटा जो भी चेंजेस, अब अगला चेंज कब आ रहा, 30 जून तक। मतलब ये हुआ कि 1 मई से लेकर 30 जून तक कितना लगा है आपके व्यापार में, 1,10,000। चलिए महीना बताइए कितना महीना हो रहा है, 1 मई और पूरा 30 जून बोल रहा है, 30 जून मतलब पूरा जून का महीना, क्योंकि अंतिम की बात हो रही है, जो भी चेंजेस सारा अंत में आ रही है। तो यानी ए मई का पूरा महीना और जून का पूरा महीना, कितना महीना, 2 महीना। तो बच्चों यहाँ कितना लिखेंगे, 2 महीना, समझ आया कि नहीं आया, और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्लियर। जितना महीना ड्यूरेशन रहेगा बोलो, क्लियर। अब बोलो अगला चेंज कब आया, 30 जून को, 30 जून को चेंज आया कि नहीं आया। अब 30 जून को क्या हुआ, 20,000 और लगा दिए। तो बताइए पहले कितना लगा था, 1,10,000, 20 आपने और लगा दिया, बताओ अब व्यापार में कितना लगा है, 1,30,000। तो यहाँ लिखना 1,30,000। इससे पता चलता है कि व्यापार में पूंजी पर ब्याज की गणना सदैव नई पूंजी पर की जाती है, किस पर, जो रेगुलर चल रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया, 1,30,000, उसका 6%। तो बताओ बच्चों ये 30 जून से लेकर कब तक चला, 31 अगस्त तक, कब तक, 31 अगस्त 2015 तक। चलो महीना गिनो कितना होगा 30 जून से 31 अगस्त तक, देखो कितना हुआ, जुलाई का पूरा महीना, जून को नहीं गिनोगे क्योंकि 30 जून है, जुलाई और अगस्त का पूरा महीना, 2 महीना, कितना महीना। तो बच्चों यहाँ पे 2 महीना लिख देना, समझ आया कि नहीं आया, ठीक। तो अब यहाँ लिख देना क्या, 31 अगस्त। अब चेक करिए 31 अगस्त में क्या हो रहा है, 30,000 निकाल लिया गया। तो बताओ व्यापार में कितना पूंजी लगा था, 1,30,000 क्या किया गया, निकाल लिया गया। तो बोलो अब आपके व्यापार में कितना लगा है, 1 लाख। तो अब लगा है व्यापार में कितना, 1 लाख का कितना प्रतिशत, 6%। तो 31 अगस्त से कब तक लगा था, 1 अक्टूबर 2015 तक। कब तक लगा था, 1 अक्टूबर 2015 तक लगा था, सही बात है। बताओ कितना महीना हुआ, सितंबर, हाँ 1 महीना, कितना महीना, 1 महीना, समझ आया, क्योंकि अगस्त हो गया, सितंबर और अक्टूबर एक है, तो फिर भाई अक्टूबर तक का कितना महीना, 1 महीना, ठीक है। अब बारी आती नंबर 5 स्टेप, बोलो अगला चेंज कब हो रहा है, 1 अक्टूबर। तो बोलो 1 अक्टूबर को क्या हुआ, 30 के बाद 5,000 और डाले, बोलो अब कितना हो गया पूंजी, 1,05,000। तो बच्चों 1,05,000 का 6% निकालना, कब तक चला ये, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, ठीक है, कितना चला, 3 महीना, वेरी गुड, 3 महीना लिख लेना, समझ आया, उसकी वैल्यू निकाल लेना, ठीक। अब अंत में नंबर 6, बोलो 31 दिसंबर से, अब अगला चेंज कब हो रहा है, 31 दिसंबर को 15,000 और लगाए, तो कितना हो गया, 1,20,000। 1,05,000 लगा था, 15,000 और लगाए, कितना हो गया, 1,20,000 हो गया, कितना परसेंट की दर से, 6% की दर से। परंतु ये 31 दिसंबर से कब तक चला, क्या आखिरी दिन दिया है, तो पता है जब डेट ना दे तो क्या मानना, 31 दिसंबर मतलब आखिरी दिन क्या है भाई, अपना वर्ष, मैं क्या मतलब ब्याज की गणना कब की जाती है, वर्ष के अंत में, तो अंतिम दिन क्या है, 31 दिसंबर, जब आगे कोई डेट ना हो तो फिर सीधा 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर से कहां तक, 31 दिसंबर तक। तो बोलो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना महीना हुआ, 0 महीना। तो 0 महीना मतलब 0/12, तो आंसर तो 0 ही आएगा, इसका आंसर तो क्या आएगा भैया,
जीरो ही आएगा। समझ आ रहा है कहने का मतलब? कोई दिक्कत? तो देखो कुल मिला के 12 महीने का निकाल दिया, 4 2 6 6 2 8, 8 और 1 9 9 3 12, 12 महीने का क्या हो गया? पूरा निकला कि नहीं निकला? ठीक है, तो चलो अब मेरे को एक काम करो, इसके कैलकुलेट करके इसके अमाउंट को निकालो, जल्दी नोट करो कॉपी में और कैलकुलेट करके इसके अमाउंट को निकालो, तो हम लोग का ब्याज निकलेगा अभी। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, कम ऑन, कितना निकाले आंसर? चलो बताओ पहले वाले का आंसर 2000, दूसरे वाले को सॉल्व किए तो हाँ 1100, फिर उसके बाद 1300 निकाले, फिर 500 निकाले, फिर 1575, इसका कितना निकाले 1575। ठीक है, और इसका तो जीरो आ गया आंसर। ठीक है, अब बच्चों जब इसको टोटल करोगे तो टोटल करके देखो कितना आ रहा, टोटल करने से 6475 ये आंसर आएगा। समझ में आया? यानी कह सकते हैं कि आपकी पूंजी पर जो ब्याज आई पता है कितना आया, यानी साझेदार को कितना पे करोगे तुम लोग उनके पूंजी पर 6475। इसको देख कर आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जैसे पूंजी लगाएगा, जैसे जैसे पूंजी का आप उपयोग करते जाओगे, वैसे वैसे उस पर क्या देते जाओगे? ब्याज देते जाओगे। यानी कि पहले आपने पूंजी लगाया था 1,00,000 रुपये, तो 1,00,000 पर हमने ब्याज की गणना की है, कितना समय चला, जितने महीने उसका रोटेट हुआ, उसके बाद आपने कितना लगाया और 10,000, तो अब फर्म की नई पूंजी कितनी हो गई 1,10,000, तो नई पूंजी पे लगाएंगे 1,10,000, फिर आगे चल के फर्म की पूंजी 20,000 और लगा दिए, तो अब फर्म की पूंजी कितनी हो गई 1,30,000, तो 1,30,000 पे लगाओगे। कई बार बच्चे गलती क्या करते, 20,000 पे निकाल के ले आते, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। समझ में आ गया? उसके बाद फिर क्या हुआ, 30,000 आपने निकाल लिया, तो पूंजी कितनी हो गई 1,00,000, सदैव नई पूंजी पर, सदैव। और जितने बीच का ड्यूरेशन है, ये जो बीच का ड्यूरेशन है ना, जो बीच का अवधि है, उसी अवधि पर आप क्या करेंगे, ब्याज क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें तुम लोगों को? इस तरह से ब्याज कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है? तो ऐसा पूंजी पर ब्याज, ऑल राइट, प्लीज़ नोट कर लीजिए जल्दी। अच्छा एक बात और, पूंजी पर ब्याज की जो गणना की जाती है वो हमेशा किस पे की जाती है पता है? सदैव प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है। किस पे की जाती है? प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है हमेशा, प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज की गणना, जो ब्याज की गणना की जाएगी वो सदैव किस पे की जाएगी? प्रारंभिक पूंजी पर की जाएगी। भैया समझ आया बात कहने का मतलब? सदैव किस पे करेंगे? प्रारंभिक पूंजी पर करेंगे, मतलब शुरुआती पूंजी, जैसे ये सीधा सीधा चलेंगे, ऐसा ही अगर मान लो 15,000 दिया तो ना, बिल्कुल शुरुआती पूंजी, प्रारंभिक पूंजी पे। समझ में आ गया? चलो नोट करो जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम आपके बुक का क्वेश्चन कराते हैं, आपके बुक से क्वेश्चन नंबर 20 कराएंगे, रानी और सुमन वाला एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 20 में, डायरेक्ट 20 में आना, बीच के क्वेश्चन छोड़ देना। फिलहाल पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे, आपके नवबोध का बुक है, नवबोध के बुक से क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। देखिए लिखा क्या है, रानी और सुमन साझेदार है। क्वेश्चन में कहता है कि रानी और सुमन ये दोनों क्या है? साझेदार है। हमने बोला ठीक है। फिर कहता है उनकी पूंजी 80,000 और 60,000 रुपए है। दोनों की जो पूंजी है ना वो कितनी कितनी है? 80,000 रानी की है, 60,000 किसकी है? सुमन की है। ठीक है, फिर कहता है रानी ने 10,000 रुपए एवं सुमन ने 15,000 रुपए निकाले। क्या किया? तो पूंजी उन्होंने निकाला, किसने किसने निकाल लिया भैया पूंजी? रानी ने कितना? 10,000, जबकि सुमन ने कितना? 15,000 निकाल लिया। अच्छा कौन से तारीख को निकाला है तो बोला ही नहीं है। ओके, पूंजी पर वर्ष में पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व। ओके यार, ये तो कुछ पूंजी पर ब्याज की गणना करने थोड़ी ना बोल रहा है। चलो ठीक है, हम करके दिखा देंगे, हमको क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रानी ने 10,000 रुपये और सुमन ने 20,000 15,000, अच्छा निकाले, मतलब वो आहरण की बात कर रहा है, पूंजी की बात नहीं कर रहा है। यार ये क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए, बड़ा सिंपल है ये। चलो ठीक है, फिर बता ही देता हूँ बात निकला। तो वर्ष में पूंजी पर लाभ कितना बोल रहा है? देखो लाभ है 50,000 रुपये, लाभ बोल रहा है 50,000 रुपये, इससे आपका कोई वास्ता नहीं, इससे आपका कोई वास्ता नहीं है। फिर कहता है कि रानी और सुमन 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। तो रानी और सुमन का जो लाभ हानि विभाजन अनुपात है ना, लाभ हानि अनुपात जो है ना वो कितना है? 3:2 है, इससे भी आपका कोई वास्ता नहीं अभी फिलहाल। ठीक है, फिर कहता है कि उनको पूंजी पर ब्याज की गणना 12% प्रतिवर्ष की दर से दी जाती है। पूंजी पर ब्याज कितना दी जाती है? पूंजी पर ब्याज 12% प्रतिवर्ष की दर से दी जाती है। और आपको कहता है कि 31 मार्च सन 2016 को समाप्त होने वर्ष के लिए ब्याज की गणना कीजिए। क्या करिए? ब्याज की गणना आपको बोल रहा है कि 31 मार्च सन 2016 को समाप्त वर्ष हेतु ब्याज की गणना कर दो। तो बस हमको ब्याज की गणना करनी है, तो हमको पूंजी पर ब्याज की गणना करनी ना, तो मतलब किससे? अपन को पूंजी से मतलब है। तो बताओ यहाँ पूंजी कितना है? 80,000। और कितना है? 60,000। ठीक है, 80,000 और कितना है? 60,000। और कुछ है पूंजी? क्या क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है कि पूंजी में कोई चेंजेस हुआ? ये जो निकाला बोल रहा है वो असल में आहरण है ना, क्योंकि देखो डेट नहीं दिया है,
अगर निकालता पूंजी निकालता तो बकायदा डेट देता, डेट ही नहीं दिया तो फिर काहे के लिए, ये मान के चलो कि वो आहरण है। तो पूंजी पर ब्याज निकालना है तो बड़ा सिंपल है, ऊपर हेडिंग लिखना पूंजी पर ब्याज की गणना, सीधा लिख दो पूंजी पर ब्याज की गणना। और आपका अंतिम दिन कौन सा है, 31 मार्च, तो लिख देना 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु, ऐसा लिख देना। ठीक है, सीधा निकालो, पहला निकालो रानी का, तो बोलो रानी की पूंजी कितनी है, 80,000। ठीक है, क्या कोई परिवर्तन हुआ रानी की पूंजी में, यानी साल भर पूरा, यानी 1 अप्रैल से पूरा 31 मार्च तक कितना पूंजी लगा था, 80,000 लगा था। तो बेटा 80,000 का कितना परसेंट निकाल दोगे डायरेक्ट, 12%, 12/8 कितना होता है 9600, ये आ गया रानी का पूंजी। समझ आया, सेम वैसी अपन निकालेंगे किसका, सुमन का पूंजी, बोलो सुमन ने कितना लगाया था, 60,000। क्या कोई पूंजी में चेंजेस हुआ, बोला और लगाए निकाले, ऐसा बोला क्या जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, सीधा क्या कर दो 12% निकाल दो, कितना आ जाएगा 7200 आ गया आंसर, रानी का आ गया 9200 और इसका आ गया कितना 7200, बात खत्म। समझ आया कि नहीं आया, ये निकल गया तुम्हारा पूंजी पर ब्याज, क्लियर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। मैंने जो क्वेश्चन बताया ना आपको, देखो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा हार्ड लेकिन क्वेश्चन मिलेंगे क्या आसान, टेंशन नहीं लेना, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट तुम लोग का मजबूत करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर 21 पूंजी पर ब्याज से संबंधित, खत्म हो जाएगा पूंजी पर ब्याज। ए एंड बी साझेदार है 31 दिसंबर 2007 को उनकी पूंजी क्रमशः 72,000 और 54,000 रुपए थी। क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों साझेदार थे 31 दिसंबर 2007, मैंने क्या बोला पूंजी पर ब्याज की गणना कौन सी तारीख को की जाती है, 1 जनवरी रहना चाहिए, क्या लिखा यहाँ, यानी अंतिम पूंजी दिया है, क्या अंतिम पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, नहीं होती ना, तो 72,000 दिया है और कितना दिया है 54,000 देने दो, देखते हैं बाकी आगे। फिर कहता है उनका आहरण 12,000 और 18,000 रुपए था, आहरण कितना कितना था 12,000 और फिर कितना 18,000 रुपए था। ठीक है, फिर कहता है आगे, फिर लिखा हुआ है पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व फर्म को 4,800 रुपए का लाभ हुआ, पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व, पूंजी पर ब्याज के पूर्व फर्म को कितने का लाभ हुआ, 48,000 का क्या हुआ लाभ हुआ। और कहता है पूंजी पर ब्याज 10% की दर से दीजिए, पूंजी पर कौन कितने प्रतिशत की ब्याज देना है, पूंजी पर ब्याज जो देना है वो 10% की दर से देना है। ठीक है, दे देंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम लोग को पूंजी पर कौन सा पूंजी चाहिए, हम लोग को सदैव पूंजी कौन सी तारीख का होना चाहिए, या तो 1 जनवरी का होना चाहिए या फिर 1 अप्रैल का होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया 31 दिसंबर, यानी अंतिम पूंजी दी है। मैंने क्या सिखाया था, पूंजी पर ब्याज करने की एक शर्त होती है, पूंजी पर ब्याज की गणना सदैव प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है। क्या यहाँ प्रारंभिक पूंजी दिया है, तो बेटा सबसे पहले आपको प्रारंभिक पूंजी निकालनी पड़ेगी, जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो पहले प्रारंभिक पूंजी निकालो। कैसे निकालेंगे सर प्रारंभिक पूंजी, ये क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन था, 21 का सॉल्यूशन। तो पहले लिखना प्रारंभिक पूंजी की गणना, पहले तो ऊपर हेडिंग लिखो प्रारंभिक पूंजी की गणना, तो देखो सीधा लिखो अंतिम पूंजी, पहले क्या लिखो आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, अंतिम पूंजी किसका, ए का और बी का, तो देखो इन दोनों का अंतिम पूंजी कितना दिया 72,000 और 54,000। अब हम थोड़ा सा 11th में जाएंगे, 11th में याद है अंतिम खाते पढ़े थे, अंतिम खाते में जब आप चिट्ठा बनाते थे याद करो वहाँ पूंजी लिखते थे, पूंजी में शुद्ध लाभ जोड़ते थे और आहरण घटाते थे। यहाँ पर हमको प्रारंभिक पूंजी निकालनी है, तो बेटा जब भी प्रारंभिक पूंजी निकालो तो जो वहाँ करते थे ना उसका उल्टा कर दो, आहरण वहाँ क्या करते थे घटाते थे यहाँ जोड़ दो, लाभ वहाँ क्या करते थे जोड़ते थे यहाँ घटा दो, उल्टा करना। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आहरण को जोड़ दो, क्या करना आहरण को, फॉर्मूला है ये, आहरण को जोड़ दो, बोलो आहरण कितना कितना दिया है 12,000 और 18,000, समझ आया, जोड़ो इन दोनों को, तो जोड़िए कितना आएगा 4, ठीक है 8,84,000 ये हो गया, और इसको जोड़ो कितना हो गया 0,0,0,8,4,12,5,6,7,72,000 आ गया ये। ठीक, फिर मैंने बोला लाभ को क्या करना है, कितना दिया लाभ 48,000 दिया है कि नहीं दिया है, तो 48,000 में दोनों कहाँ का रहा होगा, ए का भी और किसका, बी का भी, तो 48,000 सवाल उठता सर कैसे बटा होगा, क्या यहाँ लाभ हानि अनुपात दिया है, जब ना दिया रहे तो क्या मानेंगे बराबर, क्या मानेंगे बराबर। जब ना दिया है तो बराबर मान लेना, तो 1:1 कितना आ जाएगा 24,000 और फिर कितना 24,000। अब घटा लीजिए दोनों को, चलिए घटाइए, देखिए कितना आ रहा है 0,0,0,0, 8 में 6 आ जाएगा 6, इधर देखो 0,0,0, 12 में 4 जाएगा 8 और 4 48,000 आया, यही तुम्हारी प्रारंभिक पूंजी है, यही क्या है, समझ आया,
तो जब कभी भी अंतिम पूंजी दे तो उसमें जो आहरण को जोड़ लेना और लाभ को क्या कर लेना, घटा लेना, प्रारंभिक पूंजी आ जाएगी। अब निकालो पूंजी पर ब्याज। तो चलो पूंजी पर ब्याज निकाले, तो ऊपर हेडिंग लिखना पूंजी पर ब्याज की गणना। हेडिंग लिख लेना पूंजी पर ब्याज की गणना, ठीक है। चलो कितना परसेंट के रेट से, एट द रेट 10% के रेट से, ठीक है। चलो निकालो, पहले कौन है, ए है, तो बोलो ए का पूंजी कितना, 60,000 है। ए का प्रारंभिक पूंजी 60,000, 60,000 का 10% निकालो 6,000 आ जाएगा साल भर का। कोई चेंजेस नहीं हुआ इनके पूंजी में, पूंजी में कोई चेंज हुआ नहीं। फिर बी का निकालो कितना है, बी का 48,000 है, 48,000 का निकाल दो 10% कितना आ जाएगा, 4800 रुपया। देखो 6,4800 आ गया आंसर, समझ आया। आज का क्लास उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन जो है एग्जाम में कभी आने वाले नहीं है। बट मेरे को नॉलेज देना था आपको कि पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं। मैं आपको सबसे कठिन वाला क्वेश्चन बता दिया, और आपने दो क्वेश्चन देखा, दोनों ही क्वेश्चन में हम लोग पूरे साल भर का निकाले, कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, ना तो पैसा डाले ना तो पैसा नॉर्मल था। जब नॉर्मल रहा तो सीधा परसेंट चार्ज कर देना। समझ आया कि नहीं आया, कोई समस्या, पक्का डन? तो ठीक है, आज पूंजी पर ब्याज क्या हुआ हम लोग का, खत्म हुआ। कल इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, और वो है तुम्हारा आहरण पर ब्याज, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर चले जाना। ओके, थैंक यू बच्चों।